गुड मॉर्निंग जेम्स साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका आज का जेम्स स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड तो नहीं है एक्चुअली, कल जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में मार्केट मची है अनएक्सपेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, आज आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, शायद हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा आज समझ में भी आ रहा होगा मार्केट्स को कि ऐसे रिएक्ट नहीं करते, ओवर रिएक्ट। इट वॉज एन ओवर रिएक्शन, पता नहीं, इतना रिएक्शन लगा नहीं था कि होगा। और ऐसा कोई भी मुझे वैल्यूएशन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगते नहीं है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब रिजल्ट्स के दम पे और फंडामेंटल्स के दम पे है। बाकी ठीक है, कई लोग मिड कैप्स को कुछ भी बोल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त एक्सुबरेंस हो रहा है, बट ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि हमें रोज आइडियाज मिल रही है और रोज हमें दिखता है कि अभी भी वो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, क्योंकि ग्रोथ है इंडिया में। तो इसीलिए अगर ये और यहां से टूटता है तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि कल जो स्मॉल कैप में 4.25% से भी ज्यादा जो गिरावट आई है वो एक थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्शन था। बाकी स्टॉक्स तो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और यही मेरी राय है कि जब भी स्टॉक्स मार्केट्स टूटते हैं तो स्मॉल कैप में सबसे पहले रिएक्शन आता है। तो स्मॉल कैप मिड कैप अगर करेक्ट होते हैं तो ऐसे लेवल्स आएंगे जहां पे मुझे लगता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब बेहतर मिलेंगे। कई बार साइडलाइंस में जो बैठे हुए थे वो लोग एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है कि अब उनको एंटर करने का और जिनको फोमो हो रहा था उनको मौका मिलेगा इस गिरावट से। बट एनीवेज, आज का जो स्टॉक है वो है कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड, एक बेहतरीन साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, कोयम्बतूर बेस्ड कंपनी, और एडवांस हेल्थ केयर सर्विसेज में है। और कंपनी देखिए मेडिकल कॉलेज के बिजनेस में भी है और प्लस एजुकेशन सर्विसेज में भी फॉरे किए हुए हैं, और एक मेडिकल समराइजेशन बिजनेस भी है इनका। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी जिनको मैं नीचे के लेवल्स पर भी रिकमेंड किया हुआ, और वहां से कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रोथ दिखाई और हॉस्पिटल के स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, और कल भी देख रहे थे हम कि कोई बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा करेक्शंस और ये सब आगे आने वाले दिनों में हॉस्पिटल स्टॉक्स में आएंगे। और एक सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी की, मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा था, ये सारे देख रहा था, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड देख रहा था, ये सब बढ़िया है, और जो रिजल्ट्स थे वो भी बढ़िया है। सो अगर आप देखिए तो 24-25 के पी मल्टीपल पे एक हॉस्पिटल स्टॉक मिलता तो मुझे सस्ता लगता, क्योंकि बाकी कई हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत महंगे वैल्यूएशंस में चलते हैं। 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, फिर पिछले अगर 5 साल में प्रॉफिट की क्या कर देखे तो 15% के लगभग है, और डेट जरूर है क्योंकि इन्होंने कुछ कैपिटल एक्सपेंशन किया है। और अब आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, जून 2022 में 24 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 31 करोड़ का पैट, पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली 30+ करोड़ कंपनी कमाते आ रही है, 123 करोड़ का बॉटम लाइन। मतलब मैं जब पहली बार दिया था तो ये स्टॉक शायद 78 करोड़ के लेवल्स पे था टॉप, मतलब मार्च 2021 में एनुअल प्रॉफिट, और आज है 123 करोड़ के टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन पे सॉरी। तो इस तरीके का कंपनी में ग्रोथ आया है, और सबसे बढ़िया बात है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो है ही है ठीक ठाक, और FIIs DIIs में भी करीब 4-5% के लगभग होल्डिंग है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल करेक्ट भी हुआ है, और आज मुझे लगता है कि एक लेवल अच्छा है तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकते हैं। बट एक और चीज मैं साथ में बताऊं कि अब जब भी आप स्टॉक लो तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पे आपको कुशन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, तो ये 2200 से 2400 रुपए का रेंज है जहां पे ये जाके सपोर्ट ले सकता है, और उन लेवल्स पे आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 3150 से 3190 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी कोवाई मेडिकल। ओके, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने का।